नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी बीएड 2020। तो दोस्तों आज हमारी तारीख हो चुकी है 7 अप्रैल 2020 की। हम बड़ी अपडेट्स देखने वाले हैं और सबसे पहले बात करेंगे टुडे ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी अपडेट यही आ रही है कि उत्तर प्रदेश जेईई बीएड 2020 प्रवेश परीक्षा दोस्तों आपकी टल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपकी परीक्षा को टाला गया है, जो कि दोस्तों आपको पता होगा कि आपका पेपर फिलहाल 22 अप्रैल को होने वाला था और सबसे पहले दोस्तों आपकी जो परीक्षा की तारीख थी वो 8 अप्रैल को थी। तो दोस्तों मतलब एक बात तो साफ होगी कि आपका परीक्षा 22 अप्रैल को नहीं हो पाएगा। जी हाँ, पूरी अपडेट क्या है दोस्तों इसको हम देखेंगे। और दोस्तों बता दें, आपका खबर का सोर्स जो है वो आपका livehindustan.com है। यहाँ से दोस्तों ये खबर प्रकाशित हुई कि उत्तर प्रदेश जेईई बीएड 2020 प्रवेश परीक्षा टली। जी हाँ दोस्तों, पूरी अपडेट को हम देखेंगे, आखिर पूरी खबर क्या है कि आपका दोस्तों 22 अप्रैल को प्रस्तावित संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई बीएड 2020 को टाल दिया गया है। परीक्षा परामर्शदात्री समिति को मतलब सोमवार को ही ऑनलाइन बैठक में यह फैसला लिया गया, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में 22 अप्रैल को बीएड की प्रवेश परीक्षा करवा पाना संभव नहीं है, इसलिए दोस्तों परीक्षा टालना ही उचित होगा। तो इस समय की दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए। और देखिए परीक्षा की नई तारीख दोस्तों आप यहाँ देख पा सकते हैं। तो हमने दोस्तों आपको नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे का आपको प्रॉपर लिंक दे रखा है, उसको आप ओपन कर करके चेक करते रहिएगा। जैसे आपकी परीक्षा की कोई भी नई तारीख जारी होगी, सबसे पहले आपको वहाँ पर अपडेट मिल जाएगा। और एक बात और है दोस्तों, आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी भी करते रहिए, ठीक है ना। अगर आप परीक्षा की तैयारी करना छोड़ देंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकता है, क्योंकि देखिए जैसे ही हमारा लॉकडाउन समाप्त होगा दोस्तों, फिर एग्जाम की डेट फिर से जारी कर दी जाएगी। फिलहाल आपको पता है कि हमारे देश में भी 14 अप्रैल को दोस्तों लॉकडाउन समाप्त हो सकता है, ठीक ना। 14 अप्रैल तक दोस्तों लॉकडाउन घोषित है, अगर उसके आगे डेट बढ़ती है तो देखा जाएगा, नहीं तो फिलहाल दोस्तों अगर हम उम्मीद करें तो 14 अप्रैल तक लॉकडाउन समाप्त हो जाना चाहिए। अब आपके मन में एक ही सवाल उठेगा कि मई या जून कब हो सकता है आपका पेपर, कि अप्रैल में भी हो सकता है। अभी देखिए दोस्तों, अभी तक किसी भी प्रकार के ऑफिशियल अपडेट जैसे ही आएगी हमारे पास हम आपको सूचित कर देंगे। और याद रखना आपको कि कम से कम 6 घंटे रोज अवश्य पढ़ें। जी हाँ दोस्तों, इस समय अगर आप तैयारी छोड़ देंगे एंट्रेंस एग्जाम को लेकर, फिर आप दिक्कत में आएंगे, ठीक ना। सरकारी कॉलेज का अगर आपको सपना है कि हमें सरकारी कॉलेज ही चाहिए, तो आपको जो अपनी दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करनी पड़ेगी। और आपके लिए दोस्तों ये गोल्डन चांस भी होगा, अपॉर्चुनिटीज भी है, क्योंकि आपको पता है एक अच्छी खासी आपको छुट्टियां मिल रही, घर पर आप बैठे हैं, तो आप लोग अपनी जो तैयारी है दोस्तों अच्छे खासी करते रहिए। और याद रखना, जब तक आपका लॉकडाउन समाप्त नहीं होगा तब तक आपका एग्जाम नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेटेस्ट अपडेट के लिए दोस्तों मैं क्या बोला, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको एक प्रॉपर लिंक दिया है, उस लिंक को ओपन करते रहिए, चेक करते रहिए। और इस वीडियो को पहले अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके बता दीजिए। फिलहाल दोस्तों जो आपकी परीक्षा 22 अप्रैल को होने वाली थी उसको टाल दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ आप लोग बने रहिए, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। अगर हाँ अभी तक दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस वीडियो को शेयर भी करना है। देखिए दोस्तों, क्या अपडेट्स आई थी कि 14 अप्रैल को लॉकडाउन समाप्त होने के बाद उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों के आधार पर ही परीक्षा की नई तारीख की घोषणा की जाएगी, ठीक दोस्तों। प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश श्रीवास्तव ने बताया कि प्रवेश परीक्षा अग्रिम आदेश तक स्थगित की गई है। तो दोस्तों जैसे ही आपकी परीक्षा की नई तारीख जारी की जाएगी, सबसे पहले हमारा YouTube चैनल आपको अपडेट देगा। जैसा कि दोस्तों आपको फिर से बताएंगे, आपको पहले आपका पेपर 8 तारीख को होने वाला था, अगर सब कुछ सही होता तो दोस्तों मतलब कल आपका पेपर करा लिया जाता। आज 7 तारीख तो हो चुकी है, कल आपका पेपर हो जाता, लेकिन अब पेपर तो नहीं हो पाएगा दोस्तों। लेकिन अब बात थी 22 अप्रैल को, फिर अब 22 वाला भी दिक्कत देख रहे हैं आप लोग। कोरोना वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है, उसका दोस्तों मेन वजह यही आपको पता है, कोरोना वायरस। जैसे कोरोना वायरस का प्रभाव कम होगा उसके बाद लॉकडाउन को हटाया जाएगा, उसके बाद आपका पेपर करा लिया जाएगा। आप लोग अपनी तैयारी प्रॉपर तरीके से करते रहिए। अगर आपको शिक्षक बनने का अगर आपका देखिए सपना है ना, तो इतना आसान नहीं होता टीचर बनना, ठीक है। तो आप लोग मेहनत अच्छे से करिए।